हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है भूगोल का चैप्टर यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चैप्टर जो है 27 है, जिसमें आज हम करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंडिया यानी भारत जनसंख्या संगठन। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन इंडिया है तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कहते हैं ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए होता है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, उन सभी के लिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हों, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर सेक्स रेशो। सेक्स रेशो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, अ सेकेंड टॉपिक सेक्स रेशो हियर। सेक्स रेशो रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल ऑफ ऑन एरिया। यू नो दैट व्हाट इज द सेक्स रेशो हियर? द सेक्स रेशो रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल ऑफ ऑन एरिया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001, there are only 933 female per 1000 of male. That's the most important point here. Or 933 female per 1000 of male. So sex composition of India is unfavorable. There is a sex composition of India is unfavorable. It means there is a less number of female than the number of males. They show that this number or easily. Behind the number of females is more than male, it is the said to be a favorable. When the number of females is more than the male, it is the said to be a favorable. As per state are concerned, only Kerala has a favorable sex ratio. There is a Kerala is a only is a favorable sex ratio here. 1058 is a female ratio. It has a highest sex ratio in the country. It is the highest sex ratio in the country. The lowest sex ratio almost state of found in the Haryana. Haryana is the lowest. Is a 861 only. There is a census of 2001 according. According to the territory, Pondicherry has the highest sex ratio in the country with a 1001 female per 1000 male. Where the lowest sex ratio is found to the Daman and Diu, where is was 709 only is a female per 1000 male. There is the most important information here. The significance stand with the regarded to the sex ratio in the country is that it has been to the steadily is the decline. Expect some marginal increasing in the 1951, 1981, and now is the 2001 census. There are given here table. Come the table on the see there is a 2001 census here. Here see the table, there is the most important information according to sex ratio in India. There is an important table here of female per 1000 male to 1901 to 2001. There is the most important recording for 100 years here. There are here is a 1901, there is a sex ratio 972. But 1911, there is the most important is here, an increasing of nothing here, but a decreasing here sex ratio. 966 ratio only. There is the most important thing here, but it shows you see there is a time to time the sex ratio is a decreasing. There is a most important for the females are 1000 male. There is a female is a
only is a very low condition for India. But at least 2001, there is a 933 is only. There is a very less here, and continue this decreasing a sex ratio for the female. The next topic here, district level pattern. District level pattern. What do you mean district level pattern here? An overview of the district level data reveals that is out of 593 district in a country is a 324 is a district is recording sex ratio above the national average. There are 933 only, and the four districts has a sex ratio equal to the national average. In other words, there are 55% of the total districts recording sex ratio above the national average. Out of this is a 324 districts, there are as many as 708 districts spread over to 16 state union territory has recorded sex ratio above unity. The unity is mean female are more is than 1000 per 1000 of male. There is a female is more than 1000 per 1000 of male. The largest number of such a district are from to the Tamil Nadu is a 15, followed by the Kerala 13, and the Uttarakhand is a 8. Well, there are Chhattisgarh and Odisha have a 7 districts each. And the male is a Pondicherry recorded highest sex ratio. That is the most important. Males in the sex Pondicherry recorded the highest sex ratio here. The Pondicherry sex ratio is 1,148 in the country, followed by the. There is the most important ratio for the Pondicherry. There is the highest 1,148 in the country, followed by the Almora. And Uttarakhand is the most important also here, 1,147. And here, Ratnagiri in there, Maharashtra, there is the most important sex ratio here, 1,135. If you look at there, the patriarchal distribution, it has been to observe that there was three reasons where a sex ratio is favorable. First reason is Southern India is consists of the majority of district of Tamil Nadu, Pondicherry, almost all the districts of Kerala and a few coastal district of Karnataka. This second reason, hill and plateau region of adjoining Odisha and Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh is dominated by the tribals. Tribals is the most important area, is dominated by the tribal class here. The third reason is the hill state of the Uttarakhand and Himachal Pradesh. There is the most important reason here of maximum here is the female sex ratio here present. And come to the sea, there is a graph. There is the most important graph so in your screen. Here show the most important a graph here. India is a sex ratio 901 to 2001. You know that the 901 the sex ratio is here a female per 1000 here a male. There's a 9072. But is a less is here 9071 there are 930 only, and there is a most important is a decreasing here 1991 the 927 only, but 2001 there are 933. There is a most important point here 9001 is a maximum 972 per female on the male, but is a very low is a 1991. The 1991 there is a very low, but the 901 is very high. There is a most important Indian sex ratio shown here. On the contrary, there are 265 districts where a sex ratio is below national average. Out of these 265 districts, there are 42 districts where the sex ratio is below to the 850. There is the most important here. And where are these districts localized? The Uttar Pradesh and National Capital of Territory of Delhi has 8 districts each of flow by the Haryana and 6 also Haryana side here. But with this is a 42 districts, 10 districts are localized in a major cities of 8 in a NCT Delhi. One is the Maharashtra, the Mumbai, and there are other ones are territories of Chandigarh. That is important. There is a very low sex ratio in these cities, maybe due to the inflow of male migrant seeking of work in the industrial, commercially, construction, informal, and the horizontal of sector of this here. There is a most important point here. A sex ratio is here, a low,
बिकॉज दे आर इज अ लो सेक्स रेशियो रीजन ओनली हियर द माइग्रेंट पीपल हियर द माइग्रेंट पीपल हियर ओनली इज वर्किंग हियर इंडस्ट्रीज कमर्शली कंस्ट्रक्शन इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स बट द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज रिकॉर्डेड दमन डिस्ट्रिक्ट इज अ 591 ओनली फ्लो बाय द बेस्ट कंगमा इज अ 749 इन अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट इज अ 752 इन सिक्किम देर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर एंड वाई इज देर इज डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया वाई देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर वाई इज देर इज डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया There is a major reason for their decline of sex ratio in India are their higher rate of maternal mortality and high child mortality among two female children. And these two cases are related to be a comparatively a low status of the woman in our society. There is the most important point here. Mortality is a lower status of the woman in our society. Apart from this, our social religious value and the belief like a male performance in our society are responsible of decline sex ratio. This is things is a very dangerous here of belief that the like a male performance in our society are responsible for the decline of sex ratio. The female minority rate is likely to be a reserve with there is an improving status of women and also due to the better Medicare facility and education, particularly of the female. The improved medical facility have helped in their checking the rate of child mortality and their death of mother during to childbirth. There is a most important reason there is the decline in the sex ratio in India. There is a most important point here. The main point here, important point also, notable point here, in come your screen. The sex ratio in India is unfavorable. On average, there is a 933 female per 1,000 male in a country. The highest sex ratio of 1,058 female per 1,000 male in a Kerala. And the lowest of 709 female per 1,000 of male in a Daman and Diu. That is the most important point here, according to the competitive exam here. The major reason for the decline of the sex ratio in India are high child mortality among the female children and low status of women in a society. There is a most important reason here. The next point here, project work. Project work is the most important doing here. Select 20 household in your neighborhood and visit each household and note the down total number of male and female in each household. After visiting all of the 20 household, add all their male and female member. If there's our ratio is 1.1, then the ratio of a balance. If your female ratio is more than 1, then the sex ratio is favorable each or vice versa. And try to find out the reason of favorable and unfavorable sex ratio by interviewing of the female concerned. That is the most important project work here. Do it. देखिए कहते हैं अगर दुनिया को इक्वल बनाना है समाज को लेके चलना है तो सेक्स रेशो को जो है सामान्य अनुपातों में बदलना है तभी जो है बैलेंस बन सकता है. लेकिन कहते हैं लड़कों की चाह ने जो है लड़कियों को जो हत्या करते रहते हैं भ्रूण हत्या वो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है. तो इसी विषय पे हमारा यहाँ टॉपिक आया है लिंग अनुपात. लिंग अनुपात यानी पुरुष और स्त्रियों की तुलना में कितने जो है पुरुष की तुलना में स्त्रियाँ कितनी हैं तो ये लिंग अनुपात के अंतर्गत आया है. अब देखिए लिंग अनुपात से आशय है किसी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी पुरुष अगर 1,000 हैं तो उसके अंतर्गत महिलाओं की संख्या कितनी है. और ये जान के आपको बहुत दुखी होगे कि स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है. आपको लगता होगा कि स्त्रियों की संख्या अधिक है लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप आंकड़े उठा कर देखोगे तो महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है. कारण बहुत बनते हैं. आज का लड़कों की चाहत ने सबको जो है इसी जो है बहुत गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है. कहते हैं टेक्नोलॉजी ने भी जो है स्त्रियों को जो है भ्रूण हत्या करने के लिए जो है मजबूर कर दिया है. तो ये कुछ बहुत ही खतरनाक है. आने वाले समय में सोच लीजिए कि अगर पुरुष अगर 1,000 होंगे तो उसके पीछे सिर्फ स्त्रियाँ जो होगी 933 ही होंगी. बाकी अगर देखा जाए तो करीबन 40 जो है लड़कों को अविवाहित रहना पड़ेगा. तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकती है आने वाला समय में लिंग अनुपात.
और इस प्रकार लिंग अनुपात जो है प्रतिकूल कहा जाएगा क्योंकि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है और ये प्रतिकूल आगे चल के बहुत ही काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि जिस क्षेत्र में जो है कहते हैं गरीबी है वहाँ से लड़कियों को जो है खरीदा जाता है, लड़कियों जो है दूसरे क्षेत्रों में लाया जाता है, तो ये समस्या आम बन गई है आज के समय में। तो इसलिए जो है सेक्स अनुपात बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। आज समय वो नहीं है कि आपको सिर्फ लड़के देख सकते हैं, आपको लड़की भी देख सकती है, आपको जो है रहन सहन भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये आप अपने इतिहास में जाके देख सकते हो कि लड़कियों ने वो करके दिखाया है जो लड़कों के लिए बस में नहीं था, और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसका जो है इतिहास गवाह है। तो इसलिए दोनों को सामान्य अधिकार देना जरूरी हो जाता है। लिंग अनुपात अनुकूल तब कहा जाता है जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक हो। इसमें कहते हैं केरल में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अनुकूल लिंग अनुपात है, यानी देखा जाए तो केरल ही है जहाँ पर 1000 जो है 60 के आसपास है, यानी देखा जाए तो 1058 है, जो कि काफ़ी अच्छा सेक्स रेशो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। और इसी प्रकार सबसे अधिक प्रतिकूल अनुपात जो है हरियाणा का है। हरियाणा का अनुपात देख के भी आप हैरान हो जाओगे, 861 है, 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 861 स्त्रियां हैं। तो इसका कारण क्या बनता है? क्या वहां पर स्त्री जन्म नहीं लेती है? लेती है, बट उनको जो है भ्रूण हत्या के अंतर्गत मार दिया जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हरियाणा की जो औरतें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल तो कल्पना चावला का है, जो कहते पूरे भारत का जो है शीर्ष ऊँचा कर दिया स्पेस में जाके। और ये सब हरियाणा के क्षेत्र के ही हैं। जितने भी औरतें जो है महान बनी हैं, जितने भी उन्होंने कारनामा भारत में करके दिखाई है, मैक्सिमम जो है हरियाणा का ही है। लेकिन फिर भी हरियाणा का देखा जाए तो रेशो बहुत ही कम है। तो ये लोगों की सोच को यहाँ दर्शाता है कि वो लड़कियों को जो जन्म नहीं देना चाहते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है। और कुछ सरकार की लापरवाही भी है, जहाँ पर जो है कहते हैं लिंग अनुपात जाँचने वाले मशीनों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, और ये गलत है। इसको कानूनी बैन भी लगाई गई है, लेकिन कहते हैं बैन तो सिर्फ कागजी में रूपों में होती है, वास्तविकता में तो वहाँ पैसे चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है आने वाले समय में। कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पंडिचेरी में सबसे अधिक अनुपात जो है 1001 है, और दमन और दीव में जो है सबसे कम अनुपात है 709 है सिर्फ। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हम देखें तो पंडिचेरी का सबसे अच्छा अनुपात देखा गया है, 1001 स्त्रियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। लेकिन अगर देखें हम दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर जो है 709 ही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाया गया है। यानी ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। देश में लिंग अनुपात के संबंध में सबसे अहम बात यह है कि यह अनुपात लगातार घटता ही चला जा रहा है। आप अगर मैं टेबल में अभी शो करके दिखाऊंगा, आप देखना टेबल में कि दिन प्रतिदिन जो है इसकी संख्या घटती ही चली जा रही है। और एक समय शायद ऐसा भी आएगा जहां पर जो है लड़कों को अविवाहित ही रहना पड़ेगा, और इसमें अपराध होने की चांसेस बहुत बढ़ेगा, औरतों के साथ बुरा होने की चांसेस बहुत बढ़ेगा। तो ये समाज के लिए भी सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है, इसलिए समय रहते समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं टेबल में, और टेबल में क्या दर्शाने की कोशिश किया गया है और क्या आपको समझ में आता है। चलिए टेबल की तरफ रुख करें। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो कि भारत में लिंग अनुपात जो है 1901 से लेकर 2001 यानी 100 साल के प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या दर्शाया गया है। और देखिए स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे 1901 से जो है 972 ही लिंग अनुपात है, यानी स्त्रियों की संख्या 972 है 1000 के लड़कों के पीछे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है कि लिंग अनुपात जो है यहाँ पर स्त्रियों की बहुत ही कम है। और आपको ये भी है जान के हैरानी होगी कि ये दिन प्रतिदिन जो है घटता ही चला जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो है टेबल भी यही बात दर्शा रहा है। अब देखिए 11 में जो है 64 हो गई, और 31 में देखा जाए तो 50 पे आ गई, और 41 में देखा जाए तो 45 पे आ गई। तो ये घटता हुआ रेशो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर सोच जो है अभी तक नहीं बदली है। लोगों की सोच सिर्फ लड़कों के जन्म देने में ही उनका जो है भलाई लगता है, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि जो जन्म देती है वो भी एक लड़की ही होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। यदि आगे के हम रेशो देखें तो ये भी जो है कुछ संतोषजनक नहीं है। आप देख सकते हो कि सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है 1901
91 में, जहां पर रेशो जो है 927 हो गया, 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है 927 हो गया, जो कि बहुत चिंताजनक है। और इवन कि हम जब 21वीं शताब्दी में आए 2001 की जो है, देखिए यहाँ पर आंकड़ा 933 है, जो बहुत ही चिंताजनक है। कहते हम बेशकली आधुनिक युग में आ गए हैं, हम बेशकली बहुत सभ्य हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच अभी सभ्य नहीं हुई है। कहते हैं लड़का लड़की में भेदभाव करना शायद अभी माता पिता के मन से अभी तक गया नहीं है। ठीक है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितना अच्छा लड़की देख सकती है माता पिता का, वैसा ख्याल लड़का नहीं देखता है। इवन कि लड़की शांत भी होती है, हर चीज़ में वो प्रथम होती है, घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस का काम हो, हर चीज़ में जो है लड़कियाँ सक्षम होती है। लेकिन सेक्स रेशो ने जो यहाँ पर जो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो देश के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए क्या, हर क्षेत्र के लिए चिंताजनक का यहाँ सबब मिल रहा है। और देखा जाए तो जनरली औरतों के साथ ही दुराचार भी होता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये काफ़ी जो है चिंताजनक है विषय, जिसपे सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है और हर एक परिवार को, हर एक माता पिता को सोचने की आवश्यकता है कि जब आप लड़की को जन्म ही नहीं दोगे तो लड़कों के लिए जो है बहू कहाँ से लेके आओगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जिला स्तर पर प्रतिरूप। देखिए जिला स्तर पर जो है प्रतिरूप किस प्रकार से है, तो ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जिला स्तर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कुल देखें तो 593 जिलों में जो है 324 जिलों में अनुपात राष्ट्रीय अनुपात की जैसा ही है, यानी 933 जो है हमारा राष्ट्रीय अनुपात है। और अनुपात का मतलब आप समझ गए होंगे, पूरे जो है भारत का जो है आंकड़े को इकट्ठा करके जो है ये निकाला गया है 933, जो ज़्यादा है तथा कहते चार जिलों में जो है राष्ट्रीय औसत से बराबर ही है। अर्थात देखा जाए तो 593 जिलों में जो है 55% जिला में जो है लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, और इन जो है 55% जिलों में जो है 324 जिले के जो है 78 जिले भारत के जो है 16 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जिले के स्तर पर भी हम देखें तो लिंग अनुपात में काफ़ी जो है हमें अंतर देखने को मिलता है, और ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की सोच जो है व्यक्तियों की किस प्रकार की है और क्या उनकी विचारधारा है। वहाँ लिंग अनुपात का जो है अंकित मान कर से ऊपर है, और इसका अर्थ यही स्पष्ट होता है कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, यानी देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जो कि संतोषजनक है। ऐसे जिलों की सबसे अधिक संख्या जो है तमिलनाडु में 15 जिले हैं, इसके बाद केरल में 13 जिले हैं। अगर बात हम करें उत्तराखंड के तो 8 जिलों में जो है अधिक स्त्रियों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में देखें तो वहाँ पर भी 7 राज्य ऐसे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो है काफ़ी स्त्रियों की संख्या है, एवं उड़ीसा के 7 जिलों में देखें तो वहाँ पर भी है। पांडुचेरी के महाजिले में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर 1148 है। इसके बाद उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला जो है 1147 जिले तथा जो है महाराष्ट्र का जो है रत्नगिरी में 1135 जिले में है। तो ये सारे जो आंकड़े को दर्शा रहा है जिले के स्तर पर कि जिला के अंतर्गत ले तो कुछ ही जिला जो है लिंग अनुपात में अच्छा है, बाकी सारे के सारे जो है बहुत कम है। यदि इन आंकड़ों को स्थानीय वितरण पर देखें तो पता चलता है कि ऐसे 3 स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां लिंग अनुपात अनुकूल है। पहला क्षेत्र दक्षिण भारत है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य आता है, कि अधिकांश जिले जैसे पांडुचेरी, केरल के प्राय सभी जिले तथा कर्नाटक, तमिलनाडु जिले। देखिए केरल के अगर जिले से की बात करें तो वहाँ पर तो ऑलरेडी जो है जनसंख्या जो है बराबर है, अच्छा कंडीशन में है, और पांडुचेरी में भी है। दूसरा क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी भूभाग आता है, जो अनुसूचित जनजाति बहुलत है, यानी अनुसूचित जनजाति में इस तरह की भावना नहीं होती है लड़का या लड़की की रीज़न, तो यहाँ पर जो है अच्छी जनसंख्या है स्त्रियों की। तो कहते हैं इंसान में देखा जाए तो आज जो है हम सभ्य से अच्छा जनजाति लोग हैं, जो हर चीज़ों को जो है सही से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्षेत्र है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय इलाकों की, तो ये सारे जगह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है स्त्रियों के लिए, जहाँ पर स्त्रियों को सामान्य अधिकार दिया जाता है। अब देखिए ये भी जो यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिख रहा है हिस्टोग्राम के रूप में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें भी इस बात को स्पष्ट आप देख सकते हो कि भारत की लिंग अनुपात जो है अब किस प्रकार घटता ही चला जा रहा है समय के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी चिंता का जो है विषय है
कि समय के साथ जो है लोगों को समझदार बनना चाहिए, अक्लमंद बनना चाहिए, लेकिन लोगों ने जो है यहाँ पर अक्लमंदी कोई सबूत दिखाया नहीं और जो है लिंग अनुपात घटता ही चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय में सभी घरों में जो है बहू नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई जब लड़कियों का जन्म ही नहीं होगा तो कहाँ से बहू आएगी। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसको सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ में जो दर्शाया गया है, साफ शब्दों में ये सब जो बात है जाहिर हो रहा है कि देखा जाए 1990 में जब भारत आज़ाद के समय था तो वहाँ पर देखिए लिंग अनुपात बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता गया तो देखिए 1991 की बात करें तो 1927 ही रह गई, तो 927 जो है बहुत ही कम है, ठीक है। यानी देखा जाए तो करीबन करीबन जो है 70 जो है पुरुषों को अविवाहित रहना पड़ सकता है। ये तो चलिए ये आंकड़ा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। भारत के देखा जाए तो 265 जिलों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम ही है, और इन 265 जिलों में से 42 जिलों में यह अनुपात 850 से भी कम है। और यह जिले कहाँ और किन राज्यों में है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं लिंग के अनुपात के अंतर्गत हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हर जगह क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ये टॉपिक जो है हर एक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों तथा हरियाणा के 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 8 जिले आते हैं जहाँ पर जो है बहुत ही कम लिंग अनुपात है, और हरियाणा के 6 जिले आते हैं जहाँ पर बहुत ही कम है। वैसे 42 जिलों में से 10 जिले महानगरों में स्थित हैं। देखिए 42 में टोटल 42 जिले की आंकड़ा जो है यहाँ पर अंकित की गई है, लेकिन देखा जाए तो 10 जिले महानगरों की ही है। महानगर जिसे सभ्य राज्य कहा जाता है, जो विकसित कहा जाता है, उन क्षेत्रों में 10 आ रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंदर आने वाला 8 जिले हैं। अब देखिए दिल्ली को जो हम क्या कहते हैं, दिल कहते हैं, भारत की राजधानी है। अब भारत की राजधानी में जब 8 जिले आ जाएंगे तो देखा जाए तो बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कहते हैं राजधानी में तो पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लिंग अनुपात देख के ये लगता है कि ये जिला भी जो है यहाँ पर लोगों की समझ नहीं है इस बात की कि जो स्त्रियाँ कितना महत्वपूर्ण है। मुंबई महानगर से चंडीगढ़ संघीय प्रदेशों के एक एक जिले में काफ़ी कम लिंग अनुपात है। देखिए चंडीगढ़ भी इवन आता है, इसको ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी वही हालात है। और इवन देखिए मुंबई जो कि सपनों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है गिरता हुआ लिंग अनुपात को यहाँ दर्शाया गया है। कम लिंग अनुपात का मुख्य कारण जो है उद्योग, व्यवसाय, भवन निर्माण, औपचारिक विभागों के व्यवस्थित कार्य में बहुत अधिक संख्या में पुरुषों का रोजगार प्राप्ति हेतु प्रवास कर जाता है। तो ये तो है ही फैक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरुष जो होते हैं गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको पता है वो अपने पत्नियों को लेके नहीं आते, ना अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो शहरों में उनकी अनुपात जो है पुरुषों के अंतर्गत मापी जाती है तो पुरुषों की जनसंख्या अधिक हो जाती है, और स्त्रियां जो होती है गांव में रह जाती है तो स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। तो देखिए इस बात को अगर हम गणना करें तो पूरे विश्व के साथ गणना करेंगे तो औसत देखा जाए फिर भी 933 ही औसत है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो है, बेशकली प्रवास हो जाती है इस बात को हम मानते हैं, लेकिन 933 जो है एवरेज, एवरेज तो एक क्षेत्र के लेकर नहीं निकाला जाता ना, एवरेज तो पूरे भारत के लिंग अनुपात के अंतर्गत निकाला जाता है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसको जानना आप लोग की जरूरी भी है और इस पर आपको अमल करने की आवश्यकता भी है। जिले के संदर्भ में सबसे कम लिंग अनुपात दमन जिलों में पाया जाता है। अब देखिए दमन दीव जो है वहाँ पर सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है, 591 पाया जाता है 1000 पुरुषों के अंतर्गत। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की आती है, ठीक है, जिसमें पश्चिम कैमेनगस है, तथा सिक्किम के उत्तर जिले जो 752 आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों आ रहे हैं। तो कहते हैं लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण में स्त्रियों में प्रसव पीड़ा के समय ज़्यादा मृत्यु दर और नवजात कन्या शिशु की जो है मृत्यु दर बहुत अधिक होना।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज कई क्षेत्रों में देखा जाए तो स्त्रियों की जो है उम्र शादी का नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती गांव के क्षेत्र में कर दिया जाता है, और जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है तो जनरली उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रसव पीड़ा के कारण जो है काफ़ी स्त्रियों की जो है मृत्यु हो जाती है। इवन की कन्या नवजात शिशु की मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक हो गया है। तो ये कन्या जो है शिशु के आखिर मृत्यु दर अधिक क्यों हो गया है? कारण ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा जानवरों में भी बात लागू होती है, जानवरों में आज उल्टा होता है। एक गाय का ही देख लीजिए, बछड़े को कोई पसंद नहीं करता है और गाय के जो लड़की जो जन्म लेती है उसको सब पसंद करते हैं। आज गाय के बछड़े जो हैं ऐसे ही खुले में घूम रहे होते हैं और फीमेल जो होती है घरों में दूध पिला रहे होते हैं उसको। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं यहाँ पर जिस चीज़ की अगर आप कदर नहीं करोगे उसका जो है बेशक के लिए वो विलुप्त हो जाता है। तो यही कारण इन चीज़ों को दर्शा रहा है यहाँ पर, और ये ज़रूरी भी बात है कि हर चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहते हैं नवजात कन्या शिशुओं की अगर मृत्यु दर बहुत अधिक है तो इसमें सोचने की आवश्यकता, आखिर क्यों है, क्या कारण है? क्या हम कन्या को जन्म देकर उसको छोड़ तो नहीं देते हैं, उसको देखभाल तो नहीं कर पा रहे हैं? और लड़के होते हैं तो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन लड़कियाँ जन्म लेते हैं तो सर पे हाथ डालती हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्यों इतनी गिरावट लिंग अनुपात की है? ये सोचने की आवश्यकता है दोस्तों, ये ज़रूरी बात है। और इन दोनों कारणों का सीधा संबंध हमारे समाज में स्त्रियों को निम्न स्तर ही है। हमारे समाज में स्त्रियों को जो है सम्मान से नहीं देखा जाता है। आए दिन आप देखिएगा, हर दिन न्यूज़ में देखिएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्रियों के साथ बुरा होता ही रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने तो हर तरह के रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, लेकिन बात यही है ना कि सरकार के रूल रेगुलेशन क्या, जब तक आम व्यक्तियों की विचारधारा नहीं बदलेगी इसका जो है कुछ भी उपाय नहीं है। यही कारण है कि सीधा हमारे समाज में जो है स्त्रियों के निम्न स्तर रखा गया है, और इसके गलत है। हम 21वीं शताब्दी में आए हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष जो है कहते कदम ताल कर रही है। कहते हैं एक साइकिल के दो पहिए हैं, अगर एक साइकिल चला रहे हो एक साइकिल में पहिया ना हो तो आप चला नहीं पाओगे जीवन के जो है नैया। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों को महत्व जो है सम्मान दिया जाए, दोनों का जन्म जो है बराबर सम्मान दिया जाए, बराबर ही खुशियाँ मनाया जाए, बराबर ही सब कुछ दिया जाए, मान सम्मान सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में लड़कियां भी बेखूबी काम कर रहे हैं। बेशक लिए आपका जो है सोच गलत है, वो बात को हम दोहरा नहीं सकते। इसके अलावा पुरुष समाज प्रधान समाज में व्यक्त सामाजिक धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास के कारण जो है पुत्रों की प्राथमिकता लिंग अनुपात कम होने के लिए जिम्मेदार। देखिए ये बात भी सामने आ ही गया कि पुत्रों की जो है प्राथमिकताएँ, आज हर माता पिता यही सोच विचार करके अपना जो है आगे बच्चों को जन्म देते हैं कि उनका पुत्र का ही प्राप्ति हो, क्योंकि पुत्र जो है वंश बढ़ाएगा। भाई स्त्री क्यों नहीं बना सकती? स्त्री भी तो किसी को जन्म देती है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि सिर्फ देखिए सारा पालन पोषण तो स्त्री करती है तो ये स्त्री के बच्चा कहलाएगा। सिंपल सी बात है, पुरुष का क्या है? ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है पुत्रों की प्राथमिकता देना लिंग अनुपात कम होने की ये होता है। और समाज की धार्मिक मान्यता है कि जो है सारे काम लड़के ही करेंगे, लेकिन ये गलत है। आज जाके देखिए हर क्षेत्र में लड़कियों की जो है हर क्षेत्र में बोलबाला है, लड़कियाँ हर क्षेत्र में अव्वल है। और इस मानसिक का जो है दुष्परिणाम कम होते लिंग अनुपात में प्रचलित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, आज जो लिंग अनुपात कम हुआ है कुछ इन्हीं कारणों से ही कम हुआ है। स्त्रियों का जो है अल्प आयु का शिकार होना अभी तक रुक नहीं सका है। यानी स्त्रियों का अल्प आयु का शिकार होना तभी रुक सकता है जब अन्य समाजों में सम्मानजनक स्थान पहचान मिले, यानी औरतों को सही सम्मानजनक स्थान दिया जाए, उनको भी समाज का एक पार्ट समझा जाए, समाज का जो है महत्वपूर्ण अंग समझा जाए। ठीक है, आज बहुत से जो है लोगों की विचारधारा अगर सुनिएगा ना तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा होना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज न तो पुरुष प्रधान होना चाहिए न स्त्री प्रधान समाज होना चाहिए, सिर्फ मानव समाज होना चाहिए कि मानव है मैं और इंसान ही बन के हम रहे तो अच्छा है। हमें न पुरुष समाज बनाना है न स्त्री समाज बनाना है, हमने दोनों का सामान्य स्थिति देना है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियों को सम्मान मिले, पुरुषों को भी सम्मान मिले, दोनों को ही बराबर मिले। क्योंकि दो पहिए अगर इसमें से एक भी पंचर हो जाती है तो शायद जीवन वाला
जो नैया है वो नहीं चलाया जा सकता, जीवन का जो है रथ नहीं चलाया जा सकता। इसलिए दोनों का महत्व महत्वपूर्ण रहता है और दोनों को ही सम्मान स्थान मिलना जरूरी है। लड़के लड़कियां दोनों समान हैं, यही बात सबको समझ आना चाहिए। आज पढ़े लिखे व्यक्ति जो है सबसे बड़ा ही अनपढ़ता काम करते हैं। जब किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो उसकी माँ को ही मारने लग जाते हैं, भाई तेरे कारण लड़की जन्म लिया है। लेकिन क्या पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये बात समझ नहीं है कि आप पक्षी नहीं हो, कि लड़की लड़का होना, अगर देखिएगा जानवरों में पक्षियों में देखिएगा तो लड़का होना लड़की पर निश्चित होती है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, ठीक है। इंसानों में ये रूल नहीं होती है, इंसानों में होती है पुरुष के कारण जो है स्त्रियों को जो होता है जन्म, ठीक है, और पुरुष के कारण जो है लड़कों का भी जन्म होता है, क्योंकि लड़कों में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन लड़की जो होती है एक्स एक्स क्रोमोसोम धारण कर रखी होती है। तो आप समझ सकते हो कि सारा का सारा गलती लड़कों का होता है, इसलिए लड़कियों को मारना सबसे बड़ा अनपढ़ता है, सबसे बड़ी गलती है पढ़े लिखे व्यक्तियों का। इसलिए कभी भी दिमाग में बात रखना कि लड़का होना या लड़की होना लड़कों पे डिपेंड करता है, ना कि लड़कियों पे। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो जिंदगी भर इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने देश को जो है आगे भी बढ़ाना है। कहते हैं देखा जाए तो इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा तथा जो है समय अनुकूलन, अस्वास्थ्य वर्धक दवाएं, सेवाएं एवं पोषण मिलना जरूरी भी है। आज स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो उनको जो है समय अनुकूल मिलना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए, सेवाएं या पोषण मिलना जरूरी है। इससे प्रसव के समय जो उपरांत होने वाली नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी आएगी तथा साथ ही प्रसव के समय स्त्रियों की मृत्यु दर में भी गिरावट आएगी। देखिए ये सब जरूरी काम है। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, यही विचारधारा रखते हैं कि लड़के का हो, लड़के जन्म ले। अरे लड़कों के लिए क्या करोगे आप? लड़कों को जन्म दे दोगे, लेकिन अगर लड़के को जन्म दे दोगे तो फिर बहू कहाँ से लेके आओगे? हैं, लड़के थोड़ी बहू बन जाएंगे आपके। अगर आपको बहू चाहिए तो लड़की भी तो जरूरी है। जब आप लड़की किसी को दोगे तब ना दूसरे घर से एक लड़की लेके आओगे, ये तो भाई लेना देना है। और सबसे बड़ा कारण जो अगर देखा जाए हमारे इंडियन समाज में पड़ता है तो वो दहेज प्रथा के कारण ऐसा होता है। आज जितने भी लड़के जन्म लेते हैं भाई, दहेज देने लेने के लिए हमारे लड़के ने जन्म ले लिया है और दूसरे घर से अच्छे खासे दहेज लेंगे और लड़कियों को जन्म नहीं देंगे क्योंकि लड़की को दहेज देना पड़ता है। भाई ऐसा क्यों सिस्टम ले रहे हो? आपके जो है घर में इतनी पवित्र, इतनी अच्छी बहू आ रही है, लक्ष्मी की रूप कहा जाता है हिंदू समाज में, लेकिन आप क्या उसको लक्ष्मी को ही ठुकरा रहे हो? ये बात बहुत चिंताजनक बात है। कहते हैं हमारे समाज के जो है मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और जरूरी है कि इन सब बातों पे गौर करना कि स्त्री जो होती है अच्छी है, उसको अपना घर में लाओ, अच्छे से उसको मान सम्मान दो, ठीक है। और लड़कियों का भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप दूसरे घर में जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आप उसको स्वर्ग बना दो, क्योंकि आपके घर में भी कोई लड़की आएगी और आपके माता पिता को देखेगी। देखिए समाज में रीति है कि लड़कियां दूसरे घर में दूसरे माता पिता को देखे और जो घर से छोड़ के आई है वहाँ पर भी भाई होगा, वहाँ पर भी लड़कियां आएगी तो वो भी अपना कर्तव्य निष्ठापूर्ण करे, तो ये समाज बहुत बैलेंस हो जाएगा और कुछ भी जो है यहाँ लफड़ा नहीं होगा। लेकिन आप देखते ही होंगे कि समाज में जो है कुछ लालची लोगों ने वो कहते खराब से खराब कर दिया है। पैसे नहीं मिले, आपको दहेज कितना मिला? आज तो आप देखिएगा ना, हमारे समाज में एक और बात आ गई है कि आज सरकारी नौकरी लड़के इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको जो है दहेज अच्छा खासा मिल सके। आप देखिएगा ये बिहार यूपी के साथ बहुत अच्छा खासा हो रहा है कि लड़के तब तक मैरिज नहीं करते हैं जब तक कि उनको नौकरी सरकारी नौकरी ना मिल जाए, और सरकारी नौकरी जैसे मिलता है उनका रेट भी बढ़ जाता है अच्छा खासा। तो सरकार इस पर नकेल तो नहीं कर सकती है, लेकिन सर आप में जो व्यक्ति लीन नहीं रहते, जो व्यक्ति नहीं करते उन पे डंडा बरसाने लग जाती है, उन पे जो है FIR दर्ज कर देते हैं, लेकिन दहेज प्रथा के ऊपर कुछ नहीं होता है। जाते हैं रिपोर्ट लिखी जाती है, कुछ एक्शन ही नहीं होता है। तो ये सब बातें जो हैं हमारे समाज में कुछ ढीला प्रशासन के रवैये के कारण ये सब संभव हो पाया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है नोटेबल पॉइंट, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। औसतन प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है 933 है और सबसे अधिक अनुपात केरल का है जहां पर 1,059 है।
ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केरल में सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे कम अनुपात जो है दमन व दीव में, जहाँ 709 ही है। तो ये काफ़ी एमसीक्यू के अंतर्गत जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की जो है औसत जो है 933 है, ठीक है, और केरल की सबसे अधिक जो है अनुपात है और दमन दीव का सबसे कम अनुपात है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके पश्चात यहाँ पर है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये आप कार्य कर सकते हो, अगर लिंग अनुपात आपको पता करना है कि आपके क्षेत्र में प्रति घर में जो है कितनी स्त्रियाँ हैं और आपके क्षेत्र में कितने अनुपात बनते हैं, तो एक परियोजना आप कर सकते हो। ये कार्य आपके लिए सरल होगा कि अपने पड़ोस में किन्हीं 20 परिवारों को चुनिए और प्रत्येक परिवार से संपर्क करें तथा यहाँ जानने का प्रयास करें कि उसमें पुरुषों व स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है। सभी 20 परिवारों के संपर्क करने के पश्चात महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या अलग अलग जोड़िए। यदि अनुपात एक एक आता है तो लिंग अनुपात संतुलित कहा जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, स्त्री भी बराबर है पुरुष भी बराबर है। इसका मतलब जो है लिंग अनुपात बराबर है, अनुपात सोचनीय है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। यदि स्त्रियों का अनुपात एक से अधिक हो तो अनुपात जो है अनुकूल है, यानी स्त्रियों की संख्या अगर अधिक है तो इसका मतलब जो है अनुकूल अनुपात है, अन्यथा प्रतिकूल होगा। अगर पुरुषों की संख्या अधिक होगी तो, यदि एक से कम हो तो कहते हैं ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये प्रतिकूल प्रक्रिया हो जाएगी। यह जानने का प्रयास करें कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल लिंग अनुपात के क्या कारण हो सकते हैं, आखिर उनके सोच क्या है, क्यों लड़कियों की संख्या कम है, क्या उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया, क्या लड़कियों की भ्रूण हत्या करवाई। तो ये सब आप अपने क्षेत्र में भी जान ये सब एनालाइज कर सकती हो। इसके लिए प्रत्येक परिवार का साक्षात्कार करना जरूरी है, यानी आमने सामने आपने प्रश्न पूछना है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रयोजन कार्य है, जिसको करना चाहिए और इससे आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये लिंग अनुपात का जो टॉपिक था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, तो जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करना है। और आप ये नहीं कि घर में बैठे इसे छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। कहते हैं अच्छी बातें फैलाने के लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो लोग खुद ही अपने आप कर देती हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं समझते हैं, देख लेते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, ये तो गलत है। आपको भी जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है, और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। कहते हैं किसी को तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगी, कहते हैं अगर एक व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा ना, तो तिरपान स्टडी सेंटर का वीडियो बनाने का जो कार्य है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि किसी को तो ज्ञान प्राप्त हुआ। आज तो लोग एमसीक्यू के चक्कर में भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, पेपर देख रहे हैं कि भाई पेपर में क्या क्या आ रहा है, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। आज देखिएगा तो यूट्यूब पे भरा हुआ है, इतने सारे चैनल है जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है, बच्चे जल्दी जल्दी कर लो। बच्चे बड़ी खुशखबरी के साथ, बहुत दिलचस्पी के साथ उसको कर लेते हैं, लेकिन पेपर में नीलबटा सन्नाटा रहता है, कुछ आता ही नहीं है। तो यही तो बात सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि इसी के पीछे आजकल भाग रहा है दुनिया, जहाँ पर नॉलेज नहीं है वहाँ पर भाग रहे हैं, जहाँ नॉलेज की बात है उसको ठुकरा रहे हैं। चलिए वो अपनी सोच है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कहते हैं ना जिसको सच्चाई के ज्ञान है, जिसको समझ है, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। आपको भी नहीं रुकना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी भी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सारे वीडियो आपको जो है मेन पेज पे मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, कोई टॉपिक ढूंढिएगा तो शायद तिरपान सेंटर दूर दूर तक नज़र भी ना आए, इसे अच्छा है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी रहता है, अगर कुछ शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ गलत लगा है, ठीक है, कुछ भावनाओं को आप अपना भावना व्यक्त करना चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से सभी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है।